गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को इससे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ाया जा चुका है। एंटीजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि एंटीजन क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, क्लासेस। इम्यूनिटी की भी टॉपिक मैंने आपको बताया था, कई बार ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है। और इसके बाद मैंने आपको एंटीबॉडी के बारे में बताया कि एंटीबॉडी क्या होते हैं, उनका डिफिनेशन मैंने आपको दिया एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी के बारे में और डिटेल मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी क्या होते हैं। वहाँ पर मैंने ये बताया कि एंटीबॉडी कैसे एंटीजन से बाइंडिंग करते हैं, तो जो उनकी बाइंडिंग साइट क्या होता है, ये सब भी आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट ये जो चैप्टर आप लोगों के सामने यहाँ दिख रहा होगा, जो लिखा हुआ, ये एक नया चैप्टर है आप लोगों का, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन अथवा हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो आप लोगों ने इम्यूनिटी, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों ने स्टडी किया। फिर क्या आपने पढ़ा, इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट होने वाला एंटीजन, एंटीजन के बारे में डिटेल में आप लोगों ने स्टडी किया है। फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने, एंटीबॉडी। ओके, हम यहां पर इन दोनों को लेकर चलते हैं। जब आप इन दोनों को पढ़ रहे थे तो वहां पर कई बातें आया था कि ये मान लेते हैं एंटीजन कोई भी बैक्टीरियल कंपोनेंट हो गया या आउटर सब्सटेंस हो गए, वे हमारी बॉडी में जब एंट्री करते हैं तो हमारी आपकी जो इम्यूनिटी होती है या इम्यून जो सेल्स होते हैं वे इम्यून सेल क्या जनरेट करते हैं, एंटीबॉडी। क्या जनरेट करते हैं, एंटीबॉडी जनरेट करती है। और वहां पर बार बार ये बताया जा रहा था कि ये एंटीबॉडी स्पेसिफिकली उस एंटीजन से जो एंट्री किया हुआ है उससे क्या करते थे, रिएक्शन करते थे। ये बातें आप लोग पढ़ रहा था कि ये जो रिएक्शन करते थे, अब यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि ये जो एंटीबॉडी है, जो एंटीजन है, ये कैसे रिएक्शन करते हैं, इनका क्या कैरेक्टर्स होता है और कितने प्रकार का रिएक्शन होता है। तो क्या ये रिएक्शन सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर होता है या हम लोग इसको टेस्ट के रूप में बाहर भी लगाते हैं। यहाँ यही लाइन आएगा, याद रखना, जो इस केस में आपको पढ़ना है एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन पढ़ना है वो मैक्सिमम आपको इन विट्रो केस में पढ़ना है। जैसे आप लोग टेस्ट ट्यूब में क्या करते हो, रिएक्शन कराते हो, कैसे, आपने सीरम लिया, सीरम में क्या मिलाते हैं आप लोग, एंटीजन। आप लोग लैब में टेस्ट जब भी लगाए होंगे, ध्यान दिए होंगे, चाहे वो एलुमिनेशन की बात हो, चाहे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, अभी वो आगे आएगा। जो भी टेस्ट करना होता था हमें क्या करना पड़ता था, सीरम हमने लिया और हम उसी में उसका क्या मिलाते थे, एंटी या एंटीजन, और वो एंटीजन क्या करता था रिएक्शन, क्योंकि उस सीरम में वो एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट है, अब वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से क्या करता था, रिएक्शन करता। और अगर जो एंटीजन मिलाया गया है उसी के एंटी में पाया जाने वाला वहां एंटीबॉडी होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, या तो एलुमिनेशन होगा या तो प्रेसिपिटेशन होगा, कई प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मिलेंगे आगे आप लोगों को मिलेगा। तो फिलहाल आप लोग इतना याद रखना कि जो टॉपिक है, टॉपिक में क्या पढ़ना है आप लोगों को, आपको पढ़ना है एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन, कि हम एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन क्या होता है, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं। बड़ा सिंपल सा टर्म है, इसमें याद रखना हमेशा कि ह्यूमन, मैं इससे पहले बताया था सपोज दैट, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कोई सपोज दैट ये कोई ह्यूमन पर्सन है मान लिया, ओके, अब हम इस ह्यूमन पर्सन को कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गम्स अफेक्ट किया, इसके ऊपर अटैक हुआ या इसकी बॉडी में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद ये क्या जनरेट करेगा, इसकी बॉडी में क्या जनरेट होगा, एंटीबॉडी। मतलब इसके मान लेते हैं ह्यूमन के ब्लड में ये एंटीजन क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, किसके रूप में, एज अ बैक्टीरिया कुछ भी कंपोनेंट होती है, तो इसके अगस्त में हमारा आपका जो बी सेल है वो क्या जनरेट कर दिया, एंटीबॉडी। ओके, अब हम जब लैब में टेस्ट लगाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या ये एंटीबॉडी बना है कि नहीं बना है। इसके लिए हम लोग सैंपल लिए, सीरम लिया। अब सीरम अगर लेते हैं तो मैं आपको पहले बताया हूं कि मोस्टली जो प्लाज्मा सेल्स पड़े हैं आप लोग उसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी।
ये एंटीबॉडी इस सीरम में ये एंटीबॉडी है। अब वो एंटीबॉडी जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी बना हुआ है। अब हम लैब में टेस्ट लगाते हैं, बाहर क्रॉस रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करा करके चेक करते हैं कि वाकई में इस सीरम में एंटीबॉडी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसके अगेंस्ट में इस एंटीजन के अगेंस्ट में बना हुआ है, हम लोग वही एंटीजन क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। जब इस एंटीजन को यहाँ पर लेंगे तो इससे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो यही पर याद रखना, टेस्ट ट्यूब में हमारा आपका ये क्या पड़ा हुआ, सीरम। ओके, अब इस सीरम में हमने क्या लिया, ये एंटीजन मिला दिया। अभी जब एंटीजन मिलाते हैं, अगर इसके अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी होगा तो इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा तो क्या जनरेट करेगा, या तो नीचे से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर हम इसको ट्यूब की जगह पर अगर स्लाइड पर करते हैं, सपोज जैसे आप लोग विडाल टेस्ट लगाते हो, ठीक है, तो अगर हम इसमें यूज करते हैं, यहाँ पर वन ड्रॉप अगर किया सीरम, हमने एंटीजन मिलाया, एंटीजन जैसे मिला मिक्स किया, अगर ये प्रेजेंट है एंटीजन जो मिला रहे हैं उसमें अगर एंटीबॉडी जनरेट हुआ है तो क्या करेगा, ये क्या रिएक्शन दे देगा, ये एग्लूटिनेट हो जाएगा। ओके, ट्यूब में क्या हो जा रहा था, प्रेसिपिटेट हो जा रहा था। तो इस तरीके से ये हुआ इनका एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। ये एग्लूटिनेशन किसकी वजह से हुआ, हम रिजल्ट कैसे ले आए, हम कैसे चेक किए, वो चेक किए कैसे, द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आप लोगों ने क्या डेफिनेशन इसका क्या होता है और किस बेस पर ये होता है, कितने टाइप्स में आप ये मिलेगा आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा आपने क्या लिखा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन आर रिएक्शन, ये आप लोगों का टॉपिक हो गया। इसका डेफिनेशन है कि द एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज कंबाइन स्पेसिफिकली विद ईच अदर। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं स्पेसिफिकली विद ईच अदर। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों स्पेसिफिक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। अब स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने आप लोगों को वहां पर इस तरीके से वाई शेप में स्ट्रक्चर भी अच्छे से बताया था आप लोगों को, ये वाई शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इस वाले प्रोसेस में क्या था, पैराटॉप था और कोई भी एंटीजन आकर के यहाँ पर मिलता था, और ये आप लोगों ने पढ़ा था। दोनों याद रखना कि स्पेसिफिक एंटीजन, ओके, एंड एंटीबॉडी, द एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज कंबाइंड स्पेसिफिकली विद ईच अदर। ओके, दिस रिएक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड, सॉरी, दिस इंटरेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कर लो या इनको इंटरेक्शन कर लो। ओके, एंटीजन एंटीबॉडीज का स्पेसिफिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने को एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। क्लियर कि क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी, जब कोई स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी से या कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन से ही क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। इस तरीके के जो जुड़ने की जो जुड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, आगे देखना, बीज फॉर्म ये बनते हैं इस पर आर द बेसिस ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये कब फॉर्म होते हैं भाई, ह्यूमरल इम्यूनिटी के बेस पर या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड की जगह पे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, बनाते हैं। बीज रिएक्शन फॉर द बेस फॉर डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज causing agents and also some non-specific antigen like enzymes. क्या लाइन का मतलब आ रहा है कि तीज रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी का, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो बनाता है किसका, किसका बेस बनाता है, एंड द रिएक्शन फॉर द बेस फॉर डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड डिसीज। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन्फेक्टियस डिसीज, जो इन्फेक्शन हुआ है, जो रोग हुआ है, उस रोग के डिटेक्शन करने में क्या करता है, बेस का काम करता है। दीज रिएक्शन फॉर द बेस
फॉर डिटेक्शन ऑफ इंफेक्टियस डिजीज कॉजिंग किसके द्वारा हुआ है एजेंट्स किसी एजेंट्स के द्वारा आर आल्सो एंड आल्सो सम नॉन स्पेसिफिक एंटीजन लाइक एंजाइम या एंटीजन की वजह से हुआ होगा या तो कुछ एंटीजन्स के जैसे जैसे कि एंजाइम्स मतलब अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज हुआ है ध्यान दीजिएगा सपोज दैट किसी पर्सन को कोई भी डिजीज है ओके अब ये डिजीज होने का जो रीजन होता है या तो क्या होगा एंटीजेनिक होगा या तो कुछ अदर सब्सटेंस या अदर पार्टिकल जैसे कि मान लेते हैं एंजाइम की वजह से होगा किसकी वजह से हो सकता है एंजाइम की वजह से हो सकता है अब हम करते क्या है कि इस डिजीज आई मीन उस बीमार व्यक्ति के जो पेशेंट है उसके सीरम में हम लोग टेस्ट लगाते हैं उसको सीरम को हम लोग क्लियरिफाई करते हैं किसके द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा क्लियर करते हैं कि ये पर्सन को जो ये डिसीज हुआ है ये डिसीज क्या इस एंटीजन से हुआ है या किसी दूसरे कंपोनेंट से हुआ है ओके तो इसका मतलब क्या आया कि जो डिसीज देखो यहां पर मैंने इसे दिया कि दीज रिएक्शन फॉर द बेस फॉर डिटेक्शन ऑफ अ इनफेक्टियस डिसीज ये किसका बेस होता है किसको किसका बेस देता है अभी किसका बेस बनाता है डिटेक्शन डिटेक्ट करने के किसको इनफेक्टियस डिसीज कॉजिंग एजेंट मतलब जो डिसीज हुआ है उसका होने का जो कॉजिंग एजेंट है उसका एंड और सम नॉन स्पेसिफिक एंटीजन लाइक जैसे कि एंजाइम्स ओके तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में समझ में आ गया क्वेश्चन पूछा जाए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या देता है भाई ये डिटेक्ट करता है या दिस इज द बेस फॉर द डिटेक्शन ऑफ द इंफेक्टियस डिसीज इंफेक्टियस डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए क्या किसका काम करता है ये बेस का काम करता है और इसके द्वारा हम लोग क्लेरिफाई करते हैं कि ये डिसीज एंटीजन के द्वारा हुआ है या किसी दूसरे एंजाइम्स के द्वारा हुआ है अगर हम जो टेस्ट लगाते हैं उसमें उसी का एंटीजन लिए रिएक्शन हुआ तो ठीक है नहीं हुआ इसका मतलब किसी दूसरे रीजन की वजह से हो रहा है वो नॉट एंटीजन की वजह से नहीं जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना के केस को ले लो उसका भी यही चल रहा है अगर हम उसमें टेस्ट लगाते हैं एंटीजन को मिक्स किया अगर एंटीबॉडी जनरेट हुआ इसका मतलब क्या हो रहा है आपका एंटीबॉडी से रिएक्शन किया तब तो ठीक है सीरोलॉजिकल टेस्ट में तब तो आया पॉजिटिव आया नहीं रिएक्शन किया इसका मतलब उसको साथ नहीं है ऐसे कई केस आप लोग कई टेस्ट मिलेंगे आगे आप लोग जब डिटेल नॉलेज भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को वहाँ केस पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन से टेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट में कौन कौन से आते हैं जैसे एग्लूटिनेशन की में कौन कौन आता है प्रेसिपिटेशन में कौन आता है आपके सिलेबस में एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन ये दोनों दो टेस्ट आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें कौन कौन से आपको टेस्ट मिलेगा आप लोगों को ठीक अगली लाइन अगर देखिए सर मैंने आपको बताया कि व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स ध्यान देना अकर्स इन विट्रो ये वर्ड है याद रखना अकर्स इन विट्रो दे आर नोन एज सीरोलॉजिकल रिएक्शन सीरोलॉजिकल रिएक्शन किसे कहते हैं व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या रिएक्ट इन विट्रो किसमें करते हैं इन विट्रो का मतलब होता है ट्यूब की बात कर लें या ह्यूमन बॉडी से बाहर की बात कर लें किसी आउटर सोर्स में चाहे ट्यूब हो पेट्रेटिस हो स्लाइड हो वहां पर अगर हम क्या करें रिएक्शन कराएं किसका एंटीजन का ले लें और एंटीबॉडी आई मीन सीरम या सीरम का रिएक्शन कराते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो केस में होता है इन विट्रो सिस्टम में होता है तब हम लोग क्यों उस रिएक्शन का नाम क्या देते हैं सीरोलॉजिकल रिएक्शन मतलब उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सीरोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं क्लियर हुआ तो सीरोलॉजिकल रिएक्शन क्या होते हैं सीरोलॉजी का रिएक्शन कहां होता है सीरोलॉजी का रिएक्शन हम लोग कहां कराते हैं इन विट्रो दो होता है इन विट्रो एंड इन विवो ठीक है इन विवो केस में होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर की बात कर सकते हैं जैसे कि वैक्सीन वगैरह जो होता है हमारी बॉडी में जो पार्ट जो रोल प्ले करता है वो इन विवो केस में हो गया और जो हम लोग ट्यूब में जो रिएक्शन कराते हैं वो किस केस में हो गया आपका इन विट्रो हो गया नेक्स्ट आगे देखिएगा इसमें मैंने दिया कि द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी अकर्स इन थ्री स्टेज ये कितने स्टेज मिलता है आपका थ्री स्टेज मिलता है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ये तीन स्टेज होता है ओके
पूरा ओवरऑल इंजीनियर डिवाइड रिएक्शन कितने स्टेज में होता है? तीन स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में होता है पल्प, इन द फर्स्ट स्टेज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक, पहले में क्या जो इन्वॉल्व होता है क्या करता है? इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब पहला स्टेज क्या होगा एंटीजन, पहला स्टेज के रिएक्शन, इस रिएक्शन का पहला स्टेज में क्या होगा? पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में पहले क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड नंबर रहेगा इन सेकेंड स्टेज इन सेकेंड स्टेज लीड्स टू विजिबल 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 इवेंट्स लाइक प्रेसिपिटेशन कमा एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन एग्लूटिनेशन एंड थर्ड स्टेज की तरफ बात करें स्टेज में मिलेगा मोफा इन थर्ड स्टेज इंक्लूड, थर्ड स्टेज में कौन इंक्लूड होता है? इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन आर ओ आर इट्स न्यूट्रलाइज, इट्स इट्स न्यूट्रलाइजेशन, इट्स न्यूट्रलाइजेशन। ओके, देखो यहां पर अगर हम बात करें, सपोज दैट ये हुआ एंटीजन और ये है हमारा आपका एंटीबॉडी। ठीक, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करें, ये ओवरऑल कितने स्टेज में होता है? तीन स्टेज में होता है। कितने स्टेज मिला आपका? तीन स्टेज में होता है। तो सबसे पहले का क्या होता है? इन द फर्स्ट स्टेज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रिएक्शन में पहला क्या इन्वॉल्व होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, याद रखना कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स किसका होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी। सपोज दैट ये ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मान लिया हमने सीरम लिया है या ये स्लाइड है। ओके, ये है, हमने इतना सीरम लिया, पेशेंट सीरम। अब हम करते क्या है, इसमें मिलाते हैं एंटीजन, क्या मिलाते हैं? एंटीजन। जिस टेस्ट को लगाते हैं, जिस अगेंस्ट, जिस डिसीज टेस्ट में, उसी का हमने क्या ले लिया? एंटीजन लिया। अब जब इसमें एंटीजन को ड्रॉप करते हैं, सपोज दैट हमने एंटीजन को पुटअप किया, इस तरीके से एंटीजन को हमने यहां पर ड्रॉप किया, ये मिक्स हुआ, इसी तरीके से इसमें हमने एंटीजन को ड्रॉप किया। ओके,
अब जब इंक्लूजन को हमने मिस किया या जैसे इसे ड्रॉप किया, अब ये किस फॉर्म में हो गया? कॉम्प्लेक्स। ये किस फॉर्म में बनाया है? कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ? दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ओके, अब जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो आफ्टर द सम टाइम, कुछ देर के बाद, हर एक रिएक्शन का अलग अलग टाइम सेट होता है। सपोज दैट 1 या 2 या 3 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद देखते हैं क्या होता है। इन सेकेंड स्टेज लीड्स टू विजिबल इवेंट्स लाइक, अब क्या होने लगता है सेकेंड स्टेज में, क्या होता है, ये विजिबल हो जाता है। अभी तक क्या होता है, विजिबल नहीं हो रहा, विजिबल लाइक इवेंट्स, मतलब ऐसा मुझे दिखाई देने वाले इवेंट्स होता है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन या फिर एल्यूटेशन। प्रेसिपिटेशन कहते किसे है, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, इंटर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेसिपिटेशन, जिसको आप लोग अवक्षेप का बनना भी बोलते हैं। जैसे ये कोई लिक्विड सब्सटेंस है और हम इसमें कोई भी तेल का सब्सटेंस मिलाते हैं, देखते क्या है कि ये नीचे यहाँ पर क्या होते हैं, अवक्षेप रूप इस तरीके से नीचे उसमें बैठ जाता है। ओके, और ये पूरे लिक्विड है, ये नीचे बैठ जाता है। जैसे कि आप लोग इस सच सिंपल एग्जाम्पल्स में अगर देखेंगे, ये वाटर ले लो, कोई पैटीज है, सबको इसमें वाटर है और वाटर में धूल मिट्टी के पार्टिकल्स भी हैं, और उसमें हमने फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, तो फिटकरी यहाँ पर इंटीजर की तरह काम करता, जैसे उसको डालते हैं सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, प्रेसिपिटेशन की बात है। तो ऐसे ही जब इस सीरम में हमने इस एंटीजन को मिलाया, इस एंटीजन पहले मिक्स होगा, पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद अब क्या करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स बना तो कुछ देर के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ देर के बाद ये विजुलाइज हो जाता है, मतलब विजुअल होना दिखाई देने लगता है कि रिएक्शन हुआ है। अब जो विजुअल होता है तो विजुअल या तो प्रेसिपिटेशन होगा या तो एल्यूमिनेशन होगा, इसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, इस वाले स्टेज में क्या होगा, एल्यूमिनेशन होगा, मतलब स्लाइड पर क्या होगा, एल्यूमिनेशन होगा, ट्यूब में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा। यह इज द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है विजुअल फॉर्म में आ जाता है, एंटीबॉडी का रिएक्शन किस फॉर्म में जाता है, विजुअल फॉर्म में जाता है। ओके, इसके बाद जो थर्ड स्टेज की बात करते हैं, थर्ड स्टेज में क्या है, इन थर्ड स्टेज इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है या इस न्यूट्रलाइजेशन, या तो फिर क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी इसमें आया, उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक, लास्ट में क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि कुल 3 स्टेज में ये रिएक्शन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए एंटीजन एंटीबॉडी का, तो 3 स्टेज में है, याद रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग, विजुअल इवेंट्स और लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन। ये 3 प्रोसेस होते हैं या 3 स्टेप होते हैं इसके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का। वो अभी कहां पर हम लोग कराते हैं, इन विट्रो केस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का कितना स्टेज हुआ, 3 स्टेज हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा होता है आप लोगों के लिए, सेकेंड स्टेज, जिससे कि क्लियर किया जाता है कि दिस रिएक्शन इज द पॉजिटिव और निगेटिव। एल्यूमिनेशन हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव, या प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब पॉजिटिव। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोग टाइट का आप लोग टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, विड्राउल के केस में आप लोग लगाएंगे, तो वहां पर आप लोग टाइटल इंश्योरेंस भी आगे मिलेगा आप लोगों को। तो उसमें जैसे सीरम में आप लोग एंटीजन मिलाते हैं, अगर वो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट है तो उससे रिएक्शन करेगा, नहीं प्रेजेंट है तो वो नहीं करेगा। मलेरिया के अगर टेस्ट लगाते हैं, मलेरिया पैरासाइट के लिए भी वहां भी ये चीज होता है, एंटीजन मिला मिक्स हुआ, अगर वो प्रेजेंट है तो आपको दिखेगा, नहीं एल्यूमिनेशन होगा या प्रेजेंटेशन की बात है। तो तमाम सेरोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट मैक्सिमम सेरोलॉजिकल टेस्ट ये 2 पर डिपेंड है, प्रेसिपिटेशन एंड एल्यूमिनेशन। खास करके समझा था क्या होता है एल्यूमिनेशन, आगे मिलेगा कि टाइप्स ऑफ एल्यूमिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो वहां ढेर सारे मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जनरली आप इतना याद रखना कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में पहला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पहले जो रिएक्शन करते हैं ये लोग, पहले क्या बनाते थे, कॉम्प्लेक्स में शुरुआत में लिखवा दिया कि सबसे पहले ये लोग क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, विजुअल इवेंट्स होते हैं, और थर्ड में क्या होता है, सॉरी विजुअल इवेंट्स होते हैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन या, और लास्ट में क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये तो ओवर था आप लोगों का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसके बाद जो आप लोगों को मिलेगा अगले टॉपिक जो रहेगा, इसी में आप लोगों को एंटीजन जो एंटीबॉडी जो आप लोग रिएक्शन अभी देखा है
एंटीबॉडी रिएक्शन का आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, ठीक है, एंजन एंटीबॉडी का प्रॉपर्टीज कह लो या उसका कैरेक्टर्स कह लो कि एंजन एंटीबॉडी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कितने किन किन फैक्टर पर ये आते हैं, मतलब इनका कैरेक्टर्स क्या होता है उसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आप लोग क्लियर हुआ एंजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है। थैंक यू, आई लव यू।